गभर्मेन्ट स्कुलमा त लन्च पाइहाल्छ भने इङ्ग्लिस स्कुल लन्च हुँदा मैले प्रणितालाई भनिदिएको छु र यिनीहरूको क्यान्टिनहरू छेउछेउमा हुन्छ त्यहाँ भए पनि नानीहरू लन्च चाहिँ खाएको हुँदैन भोकै सक्दैन न बुझ्नु न ल राम्रोसँगले पढ्नुपर्छ अब ल शिक्षा ठिक गरेर आउँछ निक्लिन्छ ल सिक्किम में आए प्राकृतिक आपदा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे स्वाभाविक हो रही है। इसे भयावह मंजर के बाद एक बार फिर विद्यार्थी स्कूल जाने लगे हैं। 4 अक्टूबर की रात को सिक्किम की तिस्ता नदी में आई जल प्रलय से कालिम्पोंग के तिस्ता बाजार मल्ले इलाके में भारी नुकसान हुआ है। तिस्ता के पानी से कई घर बह गए, लेकिन इस डर पर काबू पाते हुए स्थानीय विद्यार्थियों ने आज से स्कूल जाना शुरू कर दिया है। कई विद्यार्थी कालिम्पोंग के विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन इस घटना के बाद से संचार व्यवस्था बाधित हो गई। वहीं कई लोग डरे हुए हैं। ऐसे में माता पिता चिंतित थे कि अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। लेकिन जीटे के मुख्य कार्यकारी अनित थापा की पहल पर आज कालिम्पोंग में विद्यार्थियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आज कई वाहनों की व्यवस्था कर विद्यार्थियों को स्कूल भेजा गया। अनित थापा ने कहा कि जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता तब तक हर तरह की मदद की जाएगी। वह अनित थापा घटना के बाद से प्रभावित इलाकों में हैं। वे पीड़ित परिवारों से बात करने के अलावा राहत शिविरों का भी दौरा कर रहे हैं। निवासियों के लिए राहत सामग्री के अलावा घर बनाने का कार्य भी शुरू हो गया है। अब यो चाहिँ जिटिएले अनित थापाज्यूले राम्रो हाम्रो लागि गरिदिनु भयो, किनभनेदेखि नानीहरू असुविधा भइरहेको थियो स्कुल जानको लागि। अब अहिले गाडीको बन्दोबस्त भयो, हामीलाई यहाँसम्म भने आएर स्कुलसम्म पुर्याउने ल्याउने कार्य भयो। यो चाहिँ राम्रो, धेरै राम्रो भयो। हजुर होइन, तपाईँको हेल्थ त धेरै नै भयो, रातको सामान पनि बहुतै आयो है, मान्छेहरूले पनि सकभको धेरै नै गऱ्यो। अब जे भयो अब जसो भयो त्यो त अब कसैले टाल्न सकिँदैन होइन, तर पनि अब अहिले हेल्प चाहिँ भइरहेको छ, धेरै नै हेल्प भइरहेको छ। एकदमै खुसी लागेको छ हामीलाई चाहिँ यस्तो पाराले धेरै दिन एब्सेन्ट भइसकेको नानीहरू हाम्रो अब पढाइको लागि पनि अलिकति स्कुललाई हामीले सोध्यौँ सोध्नु त, तर स्कुलले चाहिँ हामीलाई भन्नुभयो तपाईँ जबसम्म शान्ति हुँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँहरूले नपठाउनुहोस् भन्नुभयो। अनि आज या त भोलिको दिनमा हाम्रो टिचर्सहरू आउनुहुन्छ, त्यसको बादमा तपाईँहरूसँग हामी बात गरेर मिलाउँछौँ भन्नुभयो। तर स्कुलको केही पनि अब पढाउ के पढाइ के सिलेबस सक्यो के भयो त्यो त हामीलाई थाहै हुँदैन, साथीभाइहरूले अलिअलि पठायो। तर अब आजको दिनमा यो काम गर्दा चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ। प्यारेन्ट्स हामी जो पनि हामी अलिकति माथि पर्छ, हामी यहाँसम्म जसरी पनि ल्याइहाल्छौँ, यहाँबाट गाडी गरिदिएकोमा चाहिँ हामी एकदमै खुसी नै छौँ। आजको दिनमा चाहिँ धन्यवादै दिन्छु उहाँलाई है, चिफलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पचास हजार लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा, नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।